इरादा मूवी रिव्यू। बॉलीवुड में जब किसी नए सब्जेक्ट पर फिल्म बनती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के साथ न्याय ना हो तो उतना ही बुरा लगता है। फिल्म इरादा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिल्म की कहानी एक बड़ी केमिकल कंपनी की है, जिसकी जहरीली गैसों का पानी रिवर्स बोरिंग के जरिए जमीन के काफी नीचे तक छोड़ा जाता है। इसकी वजह से जमीन के नीचे के पानी में खतरनाक रसायन मिल जाते हैं। इस पानी को पीने से लोगों को कैंसर हो जाता है, जिसका शिकार आर्मी से रिटायर्ड पिता परबजीत वालिया यानी नसीरुद्दीन शाह की बेटी रिया रुमाल मुल्ला हो जाती है। एक दिन उस कंपनी में अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी जाँच के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी अरशद वारसी आता है। जाँच के दौरान ऑफिसर को रिवर्स बोरिंग के अलावा और भी कई चौंकाने वाले राज मिलते हैं। पूरी फिल्म इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का आइडिया अच्छा होना एक बात है और फिल्म बनाना दूसरी। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आपकी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार हो। फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही औसतन है। अपर्णा सिंह बहुत मुश्किल से अपनी कहानी समझाने में सफल हो पाती। कुछ कमियों की बात करें तो फिल्म का टाइम पीरियड प्रेजेंट है, लेकिन फिल्म के बाद में लिखा आता है कि पंजाब में इस तरह की समस्या 1970 के आसपास हुआ करती थी। इसी तरह फिल्म का लॉजिक भी ड्रोन के साथ उड़ जाता है। फिल्म में दिव्या दत्ता और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े नाम है, तो अरशद वारसी जैसा प्रभावशाली अभिनेता भी। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई एक्टर डायरेक्टर की क्षमता माप लेता है। दिव्या दत्ता ने वैसा ही काम किया है। किरदार में बिल्कुल सटीक लेकिन कमजोर डायरेक्शन उनकी प्रतिभा को सीमित कर देता है। नसीरुद्दीन शाह ने एक रिटायर्ड आर्मी मैन का किरदार तबीयत से निभाया है। फिल्म को देखते समय आपको यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो एक बेहद शार्प आर्मी ऑफिसर है। फिल्म में अरशद वारसी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के किरदार में दिखे हैं। अरशद वारसी की खास बात यह है कि उन्हें कोई भी रोल मिले वो उसे अपने अंदाज में करते हैं, लेकिन उनकी पिछली कई फिल्मों की तरह इसमें भी सर्किट का अक्स नजर आएगा। अरशद एक कैरेक्टर के तौर पर तो ठीक है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर वो जूझते नजर आते हैं। चक दे इंडिया फिल्म सागरिका घाट के फिल्म में है, लेकिन क्यों है कहना कठिन है। न वो जर्नलिस्ट लगती है और न ही प्रेमिका। शरद केलकर की बात करें तो उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। फिल्म में सस्पेंस है जिससे दर्शक बंधे रहते हैं और एंडिंग भी हैप्पी है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। अगर आपको नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी की जोड़ी पसंद है तो फिल्म जरूर देखें। दिव्या दत्ता की एक्टिंग को भी आप खूब एंजॉय करेंगे।